नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू द शेफ विपिन लाड़ा चैनल। तो आज क्रिसमस है, सभी को मैरी क्रिसमस। बहुत स्पेशल रेसिपी होने वाली है आज। मैं कोई केक, कोई पेस्ट्री वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आपके लिए एक इंडियन स्टाइल डेजर्ट बना रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की तो नेशनल वो है डेजर्ट है ये, ठीक है। तो मैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए आप सभी को बता देता हूँ, आज अपन बनाने जा रहे हैं मिनी गुलाब जामुन। छोटे छोटे जो गुलाब जामुन होते हैं, बहुत स्पेशल रेसिपीज है, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये मिनिमम इंग्रेडिएंट से बनने वाली एक शानदार रेसिपी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है मिनी गुलाब जामुन। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन शुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने को एक तार की या दो तार की नहीं चाहिए, एकदम बस चिपचिपी हो जानी चाहिए, तब तक ऐसी ही अपने को शुगर सिरप चाहिए। तो चलिए आइए पहले शुगर सिरप बना लेते हैं अपन। इसके अंदर मैं एकदम ड्राई कर लिया और ये है अपना 1 कप के तकरीबन वाटर। तो आपका जो पानी है वो हो चुका है गर्म। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगा मैं, 2 कप शुगर ऐड करूंगा, ठीक है। इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी जो चीनी और पानी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा बहुत और होना है, देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक दो तीन चीज़ों की ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अपने को एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, ये बात क्लियर रखना। अपने को बस चिपचिपी चाहिए, उस हिसाब से आप अपना रेशियो सेट कर सकते हो चीनी और पानी का, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुम्हें रेशियो या इंग्रेडिएंट्स कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ या स्क्रीन के ऊपर भी देता हूँ, आप उसको अच्छे से समझें, उसी हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को लेवें, जिससे कि एक प्रॉपर टेस्ट आ सके। थोड़े टाइम और लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं। हमारा जो शुगर सिरप है वो रेडी है एकदम। थोड़ा फ्लेम को कम कर लेता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसी के दरमियान, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, शुगर के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, तो अपन क्या करते थे, उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच टेबल स्पून अपन मिल्क डाल लेते थे। मिल्क से क्या, जितना भी वो डस्ट होता था ना, वो ऊपर आ जाता था और अपन उसको निकाल लेते थे। लेकिन आजकल आप जैसे कि देख पा रहे हैं, देख लीजिए, मैं ना मिल्क डाला हूँ ना और कुछ डाला हूँ, लेकिन उसके बदौलत, उसके बिना भी एकदम क्या है अपना जो शुगर सिरप है एकदम क्लीन है। मतलब अपने को जरूरत नहीं है मिल्क डालो कि उससे डस्ट निकालो, क्योंकि आजकल जो शुगर है वो एकदम अच्छे से साफ होगी, कोई डस्ट नहीं आती। तो आपकी जो शुगर सिरप है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, शुगर सिरप चिपचिपी हो जाती है, देख लीजिए। थोड़ा ठंडा कर लीजिए यहाँ पे, आप एक अंगुली ले लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देख लीजिए ऐसे हो रही है, एकदम चिपचिपी हो गई है, ठीक है, चिपचिपी हो गई है, देख लीजिए हो रही है ना, परफेक्ट। आपकी जो शुगर सिरप है वो एकदम तैयार हो चुकी है। अब अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे, किसके अंदर, इस बाउल के अंदर डाल दूंगा। तो अब अपन सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अपन बनाने जा रहे हैं मावे को, जो बैटर होता है, जो डो होता है वो तैयार करेंगे। ये है अपना मावा, ये है अपना 150 ग्राम्स। आप ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के दरमियान बताना चाह रहा हूँ कि इतनी क्वांटिटी इस हिसाब से लेनी है आपको। 150 ग्राम ले लिए मैंने, ठीक है। ये क्या होम मेड है, पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है जी। अब आप आराम से देख सकते हैं इसको, देख लीजिए, टूटा हुआ भी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से, देख लीजिए प्यार से। तो सबसे पहले अपन अपनी को कि ये लेनी है, ये यूज में लेते हो, ऐसे करनी है, देख लीजिए ऐसे ऐसे कर लेनी है। आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो और आप चाहो तो छोटी प्लेट में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कम है यहाँ पे। लगातार इसको करते रहिए, ऐसे करना है अपने को, दूसरी साइड चेंज कर लीजिए ऐसे, जैसे कि जो मावे के अंदर जो क्रीमीनेस है ना वो आ सके, इसलिए अपन ये करते हैं, ठीक है। और अपने जो मावे जो बॉल्स बनते हैं वो अच्छे से बन सके, लगातार ऐसे करते रहिए। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, देख लीजिए मावा जो वो क्रीमी हो चुका है, देख लीजिए आराम से, कोई दरदरापन बहुत रेयर है, बहुत कम है इसके अंदर दरदरापन। तो अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून के तकरीबन अपने को सूजी ऐड कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा मत ऐड करना, सूजी जितनी बताई जा रही उतनी ही ऐड करना, सूजी इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आप ऐड करना चाहो तो करें, नहीं करना चाहो तो मत भी करो, कोई टेंशन नहीं है। अब वही सेम इसको ऐसे कैसे अपन मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से अच्छे से। बस सूजी को तब तक ही मिक्स करना है जब तक कि मावे के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, तब तक ही अपने को इसको इस तरीके से करते रहना। अच्छे से मिक्स हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने को सिर्फ
सूजी को मिक्स करने तक ही अपने को मिलाना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही 1 टेबलस्पून के तकरीबन अपन इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ज़्यादा ऐड मत करना, मैदा अगर आप ऐड ज़्यादा कर दोगे तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा जो आपको लिटरली चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किए, अगर मेरे को और चाहिएगा तो मैं थोड़ा बहुत और ऐड कर लूँगा इसके अंदर, ठीक है। मैं एकदम परफेक्टली आपको रेशियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैदा क्या करेगा, जो मावे के जो बॉल्स हैं उसको बाइंडिंग देगा। बाइंडिंग से क्या होगा कि अपने जब भी अपन घी के अंदर या ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे तो टूटेगा नहीं, ठीक है जी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे मैदा के साथ, ये अपने आप बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जितना इसको मिक्स करना था हमने कर लिया। अब थोड़ी सी मैदा और ऐड कर दूंगा, बस 1/2 टेबल स्पून की मैदा और चाहिए अपने को, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। हो गया, मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया अपन ने, बची हुई मैदा को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए, अब ऐसा वाला चाहिए अपने को, देख लीजिए एकदम परफेक्ट जो डो है वो एक बन चुका है, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला डो है वो बन चुका है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, तो जो आपका डो है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, देख लीजिए इतनी इतनी बॉल्स बनानी है, देख लीजिए इतनी इतनी बॉल्स बनानी है छोटी छोटी, देख लीजिए इतनी इतनी बॉल्स ही चाहिए, ये जस्ट डबल साइज के अंदर आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो अपने को इसी शेप के अंदर बनानी है, देख लीजिए। एक आपकी जो मिनी रस गुलाब जामुन है उनके जो लड्डू हैं वो छोटे छोटे मैंने बना लिए, कोई के शेप बड़े हैं कोई के छोटे, थोड़े बहुत हैं, कुछ जलता है इतना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या किया देख लीजिए, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। पहली टिप ये है, कोशिश करें कि आप मावे को घर के ऊपर ही बनाएं। अगर मावे घर पे आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप अच्छी अच्छी जो आपको डेयरी पसंद है वहाँ से खरीद लें, जितना भी आपको चाहिए उस क्वांटिटी के अंदर। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वांटिटी के वो बता दूंगा कि कौन कौन से रेशो में क्या क्या चाहिए, ठीक है। कि 2 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो मावा चाहिए, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आप जाओ पढ़ो उसको, समझो उसको, कि और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे पूछो ना, आप ही के लिए तो ये चैनल है। तो पहली चीज़ तो ये, बाद में सूजी और मैदा है वो जितनी बताई जा रही उतनी ऐड करना, ज़्यादा कम बेसी ऐड मत करना, लगातार इसको जब तक अपने को फेंटना है जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाता, बस इन चीज़ों को याद रखें। और अब अपन क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे, देन चाशनी में डाल देंगे शुगर सिरप में, और दैट्स इट। ये क्या कर लिया, एक ड्राई पैन के अंदर ऑयल ऐड कर लिया था जितना अपने को चाहिए, देख लीजिए इतना बड़ा पैन है, मैंने हाफ कर लिया इसको, ठीक है। आप अपने शेप के हिसाब से कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मीडियम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको गर्म कर लिया, ठीक है। अब अपन इसको चेक करेंगे कि बन पा रहा है भी नहीं, छोटी सी देखो बोल डाल रहा हूँ इसके अंदर मावे की, वो ऐड कर लेते हैं अपन, और इसको लगातार देखो। इस रेसिपी में बस यही खासियत है कि आपको इसको लगातार हिलाना पड़ेगा, नहीं एक साइड से ब्लैक पड़ जाएगा और दूसरे साइड से होगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर आ गया मतलब आपका जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है, ऊपर आते ही आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो चेक हो चुका है, मतलब आपका जो ऑयल को जितना गर्म करना चाहिए था उतना गर्म हो चुका है। प्लीज़ आप लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको गर्म करें, जब तक गर्म करें जब तक कि आप छोटी सी बॉल डालते ही आप जैसे इसको हिलाएं वो ऊपर आ जाए, तब तक मैं हर वीडियो के अंदर आपको परफेक्ट टिप दे रहा हूँ जिससे कि आप हर वीडियो को समझ सकें ईजिली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने बॉल्स हैं ठीक है वो ऐड कर दूंगा मैं, देख लीजिए एक ज्यादा ऐड नहीं करेंगे अपन, बस इतना सा। अब अपने को क्या करना है, इनको मिक्स कर देना है, आप आराम से इसको हिलाते रहिए। अगर थोड़ा बहुत नीचे लग जाता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में जब भी आप बनाते हो कोई भी चीज तो वो नीचे जरूर लगती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को बनाते हुए अराउंड 5 से 6 साल हो गए हैं ये, लेकिन मेरे अभी भी नीचे लगते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ें यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि नीचे भी लग सकता है, आदमी क्या होता है आप बता तो देते हैं कि ऐसे ऐसे बनता है, बाद में वो ट्राई भी करता है घर पे जाके कि ऐसे बनता है, और बाद में नीचे लग जाता है ना तो वो होपलेस हो जाता है, बाद में वो बनाने की कोशिश ही नहीं करता। जब भी आप पहली बार बनाओगे ये बात अच्छे से याद रखना, नीचे तो लगेंगे ही लगेंगे आपके, चाहे कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो। मेरे को 5 साल हो गए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को होटल के अंदर 5 साल काम करते हुए गए, लेकिन मेरा हर बार फर्स्ट अटैम्प्ट में के अंदर जो गुलाब जामुन है वो नीचे लगते ही हैं। बस आपको क्या करना है, होपलेस नहीं करनी, लगातार इसको हिलाते रहना है जिससे कि आपके जो गुलाब जामुन है वो बढ़िया तरीके से बन सके।
बस लगातार आप इसको मिलाते रहिए, पकाते रहिए, जब तक कि आपको जो कलर पसंद हो वो नहीं आ जाता। तो आप जैसे कि देख रहे हैं अपने जो गुलाब जामुन है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो चुके हैं, देख लीजिए कलर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको जैसा कलर चाहिए तब तक आप इसको पकाते रहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अभी निकाल लीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे, जितने भी गुलाब जामुन हैं मैं डायरेक्टली चाशनी के अंदर कभी ऐड नहीं करता हूँ, ये मेरी खासियत है और आप लोगों को मैं ये भी रिकमेंड भी करूँगा। डायरेक्ट आप कभी भी चाशनी के अंदर ऐड नहीं करते हैं, क्यों नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चाशनी के अंदर ऐड कर देते हो तो उसके अंदर क्या होता है, टेस्ट है ना उसके अंदर एनहेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी गर्म और चाशनी भी नॉर्मल गर्म होती है तो फटने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप पहले प्लेट में, देन यू शुड इनटू द शुगर सिरप, शुगर सिरप में आप ऐड कर दीजिए उनको और थोड़ा वेट करना है जब तक कि ये शुगर सिरप के अंदर चाशनी अंदर नहीं चली जाती, तब तक अपने को वेट करना, ठीक है। अब बच्चे गुलाब जामुन है वो भी अपन इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। अब जामुन है वो रेडी हो चुके हैं, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गुलाब जामुन है, अब देख लीजिए आप कितना सॉफ्ट है, देख लीजिए एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये अपना गुलाब जामुन है वो तैयार हो चुके हैं। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं वीडियो के दरमियान कि अगर हाँ चाशनी अगर ठंडी हो जाती है तो आप उस चाशनी को थोड़ा बहुत गर्म कर लीजिए, ठीक है। गर्म कर लोगे जैसे ही आप उसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करोगे तो वो क्या एक जो गुलाब जामुन सॉफ्ट बनते हैं ना वो सॉफ्टनेस आ सकेगी इसके अंदर। आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के दिखाऊंगा कि अपनी जो चाशनी है वो अंदर गई कि नहीं गई, देख लीजिए आप इधर देखिए, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है एकदम खुला खुला बना है, अंदर चाशनी भी चली गई है बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। एकदम बहुत शानदार गुलाब जामुन बने, मैंने इसको ट्राई भी किया है, टेस्ट भी किया है, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बने। लेकिन आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप फ्राई करो तो लगातार उसको मिक्स करते रहिए, स्टेयर करते रहिए, जिससे कि चारों तरफ से अपना गुलाब जामुन पक सके, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर दोगे तो एक साइड से थोड़ा वाइट रह जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक साइड से वाइट रह जाता है और दूसरे साइड से बन जाता है अच्छे से। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, वैसे एक कॉमन चीज़ है, टेस्ट वो का वही आता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता टेस्ट के अंदर। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर आपसे गलती से हिलाना बंद हो गया और आपके एक साइड से वाइट और एक साइड से ब्लैक पड़ गया तो आपको ख़राब हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही आप जब गुलाब जामुन ऐड बोल से ऐड करते हो फर्स्ट टाइम तो वो नीचे लगता है, कोई टेंशन नहीं, होपलेस नहीं होना, लगातार रेसिपी बनाते रहना, क्योंकि टेम्परेचर चेक करता है ऑयल और गुलाब जामुन टेम्परेचर चेक करता है, उसके बाद में वो उसी हिसाब से बन जाते हैं जैसा कि आपको चाहिए। बस जाते जाते सभी से यही है, क्रिसमस आ चुकी है, सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो, और हाँ शेफ विपिन लाडा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, इस रेसिपी को आपको ट्राई करनी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू सो मच।